दोस्तों यहाँ पर स्वागत है आपको अपना इस YouTube चैनल में। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बीएड और डीएलएड दोनों के लिए आवश्यक सूचना देना चाहता हूँ। प्राइमरी 1 से 5 के लिए अगर आपको सिलेक्शन पक्का ही लेना है तो यहाँ पर जान रहे हो आप सभी की कट ऑफ आंसर की और रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कतई गलती नहीं चलेगा। अगर थोड़ा भी गलती करते हो तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। यहाँ पर देखिए बीएड और डीएलएड दोनों के लिए आवश्यक सूचना है, दोनों ही एलिजिबल हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। बीपीएससी टायर रिजल्ट 2023 बीएड और डीएलएड दोनों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, प्राइमरी 1 से 5 का बात कर रहे हैं, बाकी किसी का बात नहीं कर रहे हैं। मेल हो या फीमेल हो दोनों समझ लीजिए, यहाँ पर एक गलती आपको महंगा पड़ सकता है। ऐसा इसलिए फ्रेंड्स देखिए, मान लीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो रहा है तो यहाँ पर वैसे छात्र होंगे जो बीएड और डीएलएड दोनों किए हुए हैं, लेकिन ऑनलाइन करते समय सिर्फ बीएड का क्वालिफिकेशन उन्होंने अपलोड किया होगा बट डीएलएड उनके पास रह गया होगा। तो उस सिचुएशन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम अगर आप डीएलएड का सभी चीज़ देते हो तो आपका 1 से 5 के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो यहाँ पर बीएड वाले, जो भी बीएड वाले हैं और साथ में डीएलएड किए हुए हैं, उनके लिए आवश्यक सूचना है कि आप अपना डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखें। और दूसरी बात यहाँ पर यह है, अगर बीएड का चर्चा चल रहा है कि प्राइमरी से बाहर है, जिनके पास डीएलएड नहीं है, अगर सच में बाहर है तब तो फिर उनका लिए कुछ नहीं किया जा सकता है। अगर यहाँ पर एनसीईटी या बिहार सरकार कोई भी फैसला निकालती है या कोई रास्ता निकालती है तो फिर वो देखने योग्य बात होगा, बट अभी जो है टाइम नहीं है डॉक्यूमेंट के लिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगी आपको उस समय सभी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको बारीकी से समझाने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ, जो कि 6ठे चरण में हुई थी और जो कि नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर पूरा एंड तक देखिएगा और सब चीज़ मैं बारीकी से समझाने वाला हूँ। और इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हुए हैं तो मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है। पल पल की खबर मिलती रहेगी आपको, हर एक सूचना मिलती रहेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपका 10th और 12th का मार्कशीट लेके जाना है, ठीक है ना। 10th और 12th का मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट, जो ओरिजिनल है मूल प्रमाण पत्र वो सर्टिफिकेट, और हो सके तो आप अपना एडमिट कार्ड रजिस्ट्रेशन ये भी लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये तो कंपलसरी है, ये लेके जाना ही जाना है। और फ्रेंड्स एक बात और, सेम नेम होना चाहिए, 10th 12th डीएलएड हो या बीएड हो या डीएलएड सीटेड ग्रेजुएशन कुछ भी हो, सेम नेम होना चाहिए, नेम में थोड़ा भी डिफरेंट नहीं चलेगा। अगर मान लीजिए कि कहीं भी एक दो अक्षर का गलती हो रही है तो आप एफिडेविट बनवा सकते हो या अभी से सुधार करवा सकते हो। अभी से सुधार करवाओगे तो 15 से 20 दिन में हो जाएगा, लेटेस्ट 1 महीना में हो जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का समय भी नहीं है, 20 से 25 तारीख तक, जो कि आदरणीय अतुल प्रसाद सर ने बोले हैं कि हाँ आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है 4 तारीख से शुरू हो गया, किसका, 9, 10 और 11, 12 का। तो प्राइमरी वालों के लिए भी 20 से 25 तारीख से शुरू होने वाली है, तो इस कंडीशन में जो है आपका हर डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखनी है। तो 10th वाला हो गया, 12th वाले का मार्कशीट और ओरिजिनल मूल प्रमाण पत्र हो गया, ये कंपलसरी है, ये इसको ले जाना ही होगा। डीएलएड का मार्कशीट, डीएलएड का ओरिजिनल नहीं है तो प्रोविजनल भी चलेगा, ठीक है ना। और डीएलएड का मार्कशीट जो है आपको ये ले जाना होगा। बीएड वाले तो खैर है ही नहीं, और ऐसा है तो बीएड अगर अपलोड किया हो तो वो भी लेके जाना है, जिनको मतलब जो बीएड वाले हैं वो दोनों लेके जाएंगे, ठीक है ना। और उनको बताना है कि मैंने ये अपलोड किया था लेकिन मेरे पास ये है, तो उनको मौका मिलेगा, 100% मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। और डीएलएड वाले जो है एडमिट कार्ड लेके जरूर जाएंगे, अपना एडमिट कार्ड भी लेके जाना है, आपको कॉलेज का जो भी एडमिट कार्ड है वो लेके जाना है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, अगर आपको सीटेट का मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी लेके जाना है, आपको ये लगेगा ही लगेगा, ग्रेजुएशन का मार्कशीट और ओरिजिनल ये दोनों लगेगा, ठीक है ना। ओरिजिनल से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर ओरिजिनल लगेगा ही लगेगा, ये बात याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगर मान लीजिए कि ओरिजिनल अभी तक जनरेट नहीं हुआ तो वो ओरिजिनल ले जा सकते हैं, बट ओरिजिनल जनरेट हो गया है, अगर आपने ओरिजिनल नहीं निकाला है तो आप जल्द से जल्द ओरिजिनल निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ भी बहुत सारे बच्चे जो है छट जाते हैं। आवासीय प्रमाण पत्र लगेगा, आपको जातीय लगेगा, जो एनसीएल है एनसीएल लगेगा, ईबीसी ओबीसी का और जो एससी एसटी का है वह अपना बनवा लेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर विकलांग है या कोई हैंडीकैप्ड है तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा, जो कि मैं पहले ही बता दिया था कि पीएमसीएस से आपको बनवाना पड़ेगा, ठीक है ना, जो कि आपको यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से जारी किया गया है एक लेटर, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, वहाँ से आपको पूरा क्लियर बनवा कर ले जाना होगा। मेडिकल सर्टिफिकेट, पुलिस वेरीफिकेशन जिसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बोलते हैं, ये भी आपको कंपलसरी है, लगेगा ही लगेगा, इसलिए आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई कर दीजिए और जल्द से जल्द बनवाने का कोशिश कीजिए। आधार कार्ड जो है आपका ले जाना होगा, ठीक है, आधार कार्ड भी लगेगा,
डिफिट डिफिट भी लगेगा आपका, अगर कहीं भी मिस्टेक हो रहा है तो भी, और फोटो आपको लेके जाना है। तो इतना जो भी चीज़ हम डॉक्यूमेंट्स में बताएं ये तो आपको 100% रेडी रखना ही होगा। इसके अलावा अगर किसी भी चीज़ का डिमांड करते हैं या नोटिफिकेशन में कुछ आता है तो मैं आपको बता दूंगा, बट आपको नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करना है। ये सभी चीज़ जो है जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं इसको कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन का वेट कीजिएगा तो समय बहुत कम मिलेगा और आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो यहाँ पर बीएड और डीएलएड दोनों के लिए मैंने वीडियो बनाया था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बीएड वाले हैं जिन्होंने डीएलएड भी किए हुए हैं, ठीक है ना। तो उन सभी का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर मान लीजिए कि बीएड को बाहर किया जाता है, तब अगर बीएड को शामिल किया जाता है तो फ्रेंड्स कोई बात ही नहीं है, सभी को अपना अपना डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होगा और वेरिफिकेशन करवाना होगा, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में आप समझ सकते हो कि मैंने एक महत्वपूर्ण सूचना बताई है। आई होप कि आपको यहाँ पर बिल्कुल समझ में आ गया होगा और अच्छा लगा होगा ये वीडियो। तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।